मित्रों, अभी हम हैं छत्तीसगढ़ प्रांत के महासमुंद जिले के सिरपुर नामक स्थल पर। वास्तव में सिरपुर तो अपभ्रंश नाम है, इसका ऐतिहासिक और पौराणिक नाम था श्रीपुर। श्रीपुर का तात्पर्य होता है श्री माने समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी, पुर माने नगर। तो ऐतिहासिक और पौराणिक जो उल्लेख हैं, पौराणिक उल्लेख में यह मान्यता है कि ये श्रीपुर यानी सिरपुर महाभारत कालीन जो योद्धा थे बभ्रुवाहन, उनकी राजधानी थी। ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार छत्तीसगढ़ चूंकि दक्षिण कोसल का यह हिस्सा था, तो यह व्यापार एवं वैभव के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध था। हम लोग इस यात्रा में बिलासपुर से आए तो देखे कि ये समतल जो ज़मीन है इतनी उपजाऊ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो व्यापार व्यवसाय होता रहा वह समुद्र मार्ग से और स्थल मार्ग से भी, और इसी कारण यह श्रीपुर इसका नाम हुआ। यह सिरपुर एक अंतर सांस्कृतिक संगम भी है। यह अभी हम लोग जहाँ स्थित हैं यह है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर की विशेषता यह है कि यह लाल ईंटों से निर्मित है और भारत देश का एक ऐसा मंदिर है जो 7वीं शताब्दी में बना है। आप देख सकते हैं 7वीं शताब्दी मतलब आज 22वीं, 1500 वर्ष पुराना मंदिर है। ये लाल ईंटों से निर्मित है और पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है, इसलिए पूजा अर्चना यहाँ पर नहीं होती क्योंकि ज़्यादा पूजा अर्चना से मंदिर में नुकसान होने की संभावना है। और इस तरफ जो देख रहे हैं हमारे दाहिने तरफ, यहाँ पर जो ईंट हैं, जो ये वर्गाकार लान है आयताकार, वो ईंट भी वो सब उसी समय के ऐतिहासिक वो समय के ही हैं, सब 1500 साल पुरानी हैं। बड़ा ही मनोरम स्थल है, बड़ा ही ये सुंदर स्थल है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये जो बढ़िया मैदान में चीज़ें सुव्यवस्थित की गई हैं पुरातत्व विभाग के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। आगे हम लोग इस सिरपुर में खाली यही स्थान नहीं है, लक्ष्मण मंदिर तो प्रसिद्ध है और यह राम वनगमन महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण बात है कि राम वनगमन मार्ग भी रहा है, इसलिए लक्ष्मण मंदिर जो बना उस समय तो ये तो और प्राचीन रहा होगा। अभी तो जो ऐतिहासिक उल्लेख है यह 7वीं शताब्दी का है। इसके पश्चात सिरपुर की विशेषता यह है कि सिरपुर में बौद्ध मंदिर भी हैं और जैन मंदिर। तो इस प्रकार से ये जो भारत की जितने भी धार्मिक परंपराएं रही, जो हिंदुत्व और सनातन परंपरा, उसके बाद बौद्ध जैन जितने भी ये हमारे सेक्ट आए, उन सब का स्थल था। इसका मतलब आपस में बड़ा समन्वय था, बड़ा सामंजस्य था। आज हम लोग जो द्वंद्व संघर्ष में हैं, अभी बीच में कुछ बौद्ध धर्म को लेकर आया, इस बात से सीख लेने की आवश्यकता है कि प्राचीन काल में लोग आज से 1500 साल पहले एक ही स्थान पर अपने मंदिर, अपने पूजा स्थल, बौद्ध विहार इत्यादि बना करके बड़े आनंदपूर्वक रहते थे। और बड़ा ये संकेत था कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है इतनी समृद्ध और सहिष्णुता से युक्त थी। लक्ष्मण मंदिर को बारंबार नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि राम और लक्ष्मण मिल करके संयुक्त रूप से सब लोगों को शुभाशीष दें, जिससे हम लोग सानंद पूर्वक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।